सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के मतदान के बाद अब मतगणना पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से जिला मुख्यालयों पर काउंटिंग होगी, जिसमें 98 टेबल्स पर 141 राउंड में 69 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। वहीं मतदाताओं की संख्या के आधार पर 18 से 22 राउंड में मतों की गिनती होगी। झुंझुनू और सलूम्बर विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम मतों की गिनती 22-22 राउंड में होगी। रामगढ़ की 21 राउंड में, देवली उनियारा और खींवसर विधानसभा क्षेत्रों की गिनती 20-20 राउंड में। वहीं दौसा और चौरासी के ईवीएम मतों की गिनती 18-18 राउंड में पूरी होगी। इसके अलावा सर्विस वोटर्स के ईटीपीबी की गिनती 39 टेबल और होम वोटिंग के 3127 पोस्टल बैलेट की काउंटिंग 28 टेबलों पर होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि राज्य के सात विधानसभा क्षेत्रों में झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली उनियारा, खींवसर, सलूम्बर और चौरासी के उपचुनाव का परिणाम घोषित होगा। प्रदेश के सात जिला मुख्यालयों झुंझुनू, अलवर, दौसा, टोंक, नागौर, उदयपुर और डूंगरपुर पर 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना के संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए पर्याप्त संख्या में मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के माध्यम से डाले गए मतों की गणना शुरू होगी। सर्विस वोटर्स और होम वोटिंग के जरिए डाले गए मतों की गिनती के लिए 39 और 28 टेबल स्थापित की गई हैं। सभी मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी। जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना स्थलों पर किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के कमरे में प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।